स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, दिस इज योर ऑनलाइन SST क्लास ऑफ 6th स्टैंडर्ड। टुडेज वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नेम इज ग्लोब लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड वी ऑलरेडी स्टार्ट सम टॉपिक्स बट टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम मेजरमेंट्स। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन करने के उद्देश्य से ऑल मेजरमेंट्स आर डन टेकिंग द अर्थ, और सभी जो मेजरमेंट्स होते हैं वो पृथ्वी के सर्कल यानी कि उसकी गोलाकार की स्थिति से मेजरमेंट किए जाते हैं या नापे जाते हैं। सो द सर्कल मेजर्स 360 डिग्री इन सर्कमफेरेंस। तो जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, जो वृत्त होता है। इफ़ वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, वी वुड गो थ्रू अ इक्वेटर ऑफ अ होल सर्कल ऑफ 90 डिग्री। यदि हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएँ तो हम एक सर्कल का 90 डिग्री पूरा करेंगे, यानी कि उसका 1/4 भाग। दस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल वी मार्क 90 डिवीजन इच फॉर्म्स 1 डिग्री, और इस तरह इक्वेटर से पोल की तरफ हम 90 डिवीजन्स कर सकते हैं इच फॉर्मिंग 1 डिग्री, जो कि 1 डिग्री का होगा। द डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज इंडिकेटेड बाई सफिक्सिंग लेटर एन और एस एज द केस मे बी। और यह जो उत्तरी दिशा और जो दक्षिणी दिशा होगी इक्वेटर के यह इंडिकेट करेगी नॉर्थ और एस से साउथ एज केस मे बी फॉर डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। यह इसके लिए करेगी कि कोई प्लेस इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में कितना एग्जैक्ट है, कितना सही है, इससे यह निश्चित होगा। यह जो लोकेशन है इससे वह निश्चित होगा। डिग्रीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स, और यह डिग्री आगे सब डिवाइडेड होती है मिनट में और फिर सेकेंड में। इच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स रिटेन एज यू सी। डिग्री को हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं और इसे हम ऐसे लिखते हैं, इच मिनट इज सब डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड रिटेन एज लाइक दिस। और जो मिनट्स होते हैं उसे हम 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं और इसे हम ऐसे लिखते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज लेटिट्यूड्स। द लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी सर्कल रनिंग अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर। लेटिट्यूड्स ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल यानी कि इक्वेटर के समानांतर होती है। द लेटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज ड्रॉन एंड मेजर्ड इन डिग्री, और जो लेटिट्यूड होता है और जो लेटिट्यूड का जो स्थान होता है वो सेकेंड्स मिनट और डिग्री में नापा जाता है या दिखाया जाता है। लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड और सिंपली पैरेलल्स। जो लाइंस ऑफ लेटिट्यूड होती हैं उन्हें हम पैरेलल लेटिट्यूड भी कहते हैं या सिंपली पैरेलल्स भी कहते हैं। द इक्वेटर इज नंबर्ड एज 0 डिग्री एंड द पोल इज 90 डिग्री, और इक्वेटर को हम 0 डिग्री से जबकि पोल को हम 90 डिग्री से डिफाइन करते हैं। फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल देर आर 90 लेटिट्यूड्स एंड फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल देर आर 90 लेटिट्यूड्स। तो इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जब हम जाएंगे तो हमें 90 लेटिट्यूड्स होंगे या मिलेंगे या होते हैं,
जबकि हम इक्वेटर से साउथ की ओर भी जाएंगे तो भी हमें 90 लेटीट्यूड से मिलते हैं। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, और जो इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ा पैरेलल होता है। द लेंथ ऑफ द लेटीट्यूड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, और जो लेंथ जो होती है लेटीट्यूड्स की, जो लंबाई होती है, जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, टूवर्ड्स द पोल की तरफ, टूवर्ड्स द पोल यानी कि पोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो घटती जाती है। एट द पोल, जबकि पोल पे द लेटीट्यूड आर मेयर पॉइंट्स, पोल पे लेटीट्यूड्स महज एक बिंदु होता है, मान लीजिए ऐसा ही बिंदु होगा। पोल्स विद 90 डिग्री लेटीट्यूड हैव नो लेंथ, तो पोल जिसका कि मान 90 डिग्री होता है उसकी कोई लंबाई नहीं होती, दे आर जस्ट पॉइंट्स, और यह केवल एक क्या होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स, यानी कि लेटीट्यूड्स यानी अक्षांश के महत्वपूर्ण जो पैरेलल हैं उनके बारे में। अदर देन द, अच्छा, हियर यू सीइंग द लेटीट्यूड्स, ये क्या है, ये देखिए बीच में जो है ये 0 डिग्री है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के बाद में देखिए 15 डिग्री पे डिवाइडेशन है, 15 डिग्री, 13, 45, 60, 70 और फिर 90 है, वो तो क्या है, मतलब वो एक सिर्फ पॉइंट है ना। इसी तरह का फर्दर हम साउथ की ओर बढ़ते हैं तो इधर भी हमें ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल ये लेटीट्यूड्स हैं। द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स, तो लेटीट्यूड्स के हम कुछ महत्वपूर्ण पैरेलल्स अक्षांश की बात करेंगे यहाँ पे। अदर देन द इक्वेटर देयर आर टू इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स इन ईच हेमिस्फीयर विच कॉरेस्पोंडेंस विद डिवाइडिंग लाइन्स ऑफ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर को छोड़कर यहाँ दो महत्वपूर्ण पैरेलल्स होते हैं, लेटीट्यूड्स के दो महत्वपूर्ण पैरेलल्स हैं, जिसमें इन ईच हेमिस्फीयर यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में है ना, यानी कि 0 डिग्री से साउथ और 0 डिग्री से नॉर्थ दो पैरेलल हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है, विच हेमिस्फीयर विच कॉरेस्पोंडेंस विद डिवाइडिंग लाइन्स ऑफ हीट जोन, ये एस जो कि हीट जोन्स की जो लाइन है उसे ये डिवाइड करते हैं, उसके संबंध में ये डिवाइड करते हैं, कॉरेस्पोंडेंस करते हैं। सिंस द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड फॉलोज अ रेगुलर पाथ अराउंड द सन, आप जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, घूम रही है, और यह एक रेगुलर पाथ और एक नियमित रास्ते पे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर सोलर एनर्जी, और इस तरह पृथ्वी का जो निश्चित जो कुछ भाग होता है वो ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है, अदर्स दूसरों की अपेक्षा, एंड वेरियस अदर फेनोमिनन हैपन एज अ मैटर ऑफ रूटीन, और कुछ चूँकि वो दूसरों से ज़्यादा हीट रिसीव करता है इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसे फिनोमिनन हैपन होते हैं वहाँ पे जो कि निरंतर होते हैं, ये मैटर ऑफ रूटीन होता है। द इम्पोर्टेंट पैरेलल आर द फॉलोइंग, और वो जो इम्पोर्टेंट जो पैरेलल हैं वो निम्न है, पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, इट इज़ द पैरेलल ऑफ 23.2 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इट पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है और इसका जो पैरेलल मान है वो 23.2 डिग्री है, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ती है ना, और ये हमारे देश के बीच से होकर गुजरती है। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दूसरी है मकर रेखा, इट लाइज द पैरेलल ऑफ 23.2 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है जिसका मान 23.2 डिग्री साउथ है। थर्ड इज आर्कटिक सर्कल, इट इज 66.2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और यह इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। एंटार्कटिक सर्कल इज लास्ट, इट लाइज 63.2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो यह इक्वेटर से यह 66.5 डिग्री की दूरी पे है। ओके, आप यहाँ पे एक अर्थ का फिगर देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड हीट जोन्स,
तो ये देखिए बीच में क्या है, ये इक्वेटर है और ये जो ये है टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन किसके किसके बीच में, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ एंड 23½ डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, ये तो एक जोन हो गया। अब दूसरा जोन कौन सा है, दूसरा जोन है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जिसे अगर हम डिफाइन करें तो ये है 23½ डिग्री नॉर्थ और 66½ डिग्री के बीच में। ठीक है, एक ऐसा ही जोन है साउथ में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66½ डिग्री तक है। ठीक है, और यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, यहाँ इसमें गर्मी पड़ती है। और जो फ्रिज जोन है जो कि 66½ डिग्री नॉर्थ से अपवर्ड है, ऊपर है, और ये 90 डिग्री तक क्या है, एक्सटेंडेड है। और यहाँ पे ये फ्रीज जोन है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे सिर्फ आइस होती है, आइस जमी रहती है। तो दिस टॉपिक इज स्टूडेंट कंप्लीट हियर। इन नेक्स्ट टॉपिक वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।